देखिए चुनाव है, बड़ा अच्छा चुनाव है। मैं सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश के जो भी वोटर थे, जितने भी वोट डाली, उनका धन्यवाद करूंगा। और बड़ा अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ। पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी छुटपुट घटना अपने सुनने को नहीं मिला। अच्छे प्यार से साथ से मिलके चुनाव हुआ। और आपने बात करी कांग्रेस की, आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश का आम लोग जनमानस कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़ा। और अगर सीट की आप बात करोगे तो अब इलेक्शन हो लिया, हम 10 की 10 अभी सीट जीत सकते हैं। ये हमारा पूरा भरोसा भी है, अनुमान भी है। और ये बीजेपी के नेताओं ने, लोगों ने भी मान लिया। आज आने वाला भविष्य कांग्रेस का और लोकसभा में भी कांग्रेस अच्छी जीत लेके आने वाली है। कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बहुत कम देखने को मिला। देखिए वोट परसेंटेज जो कम हुआ उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं मानूंगा गर्मी। उस दिन आप 48-49 डिग्री सेल्सियस गर्मी थी। लोगों को हमने बहुत बार जागरूक भी किया, बार बार जागरूक किया। जब भी हम इलेक्शन कैंपेन में किसी भी गांव में गए, किसी भी जनसभा में, नुक्कड़ सभा में गए, हमने लोगों से रिक्वेस्ट की भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने का काम करें ताकि आप देश के प्रतिनिधि को चुन सकें और अच्छा चुनें। लेकिन गर्मी का एक बड़ा कारण था, जो हमारा मानना है ये सबसे बड़ा कारण था। चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं व्यवस्था पे सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, कि जैसे कि कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, देखिए शेड की व्यवस्था नहीं। देखिए इस बात में कोई शक नहीं, आप किसी भी गांव में चले जाओ, चुनाव आयोग का कहीं आपने टेंट लगा नहीं पाओगा, चुनाव आयोग कहीं भी ऐड करता नहीं मिलेगा कि आप वोट डालने निकलो, घर से निकलो। आप किसी भी बूथ पे स्कूल में चले जाओ, कोई वहाँ प्रबंध नहीं था, सारा प्रबंध कोई भी पार्टी है अपने स्तर पर अपने आप किया। और लेकिन जो हमारा अनुमान था, अगवा लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत करने बाहर निकलेंगे, वो नहीं कर पाए। इसके लिए मैं खेद भी है, दुख भी है, लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आने वाला चुनाव भी बहुत नज़दीक हरियाणा प्रदेश का, मैं विनती करूँगा हरियाणा प्रदेश के हर वोटर से कि आपने जो गलती जो भूल अब करी वो आने वाले चुनाव में ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बाहर निकल के आप अपने साथियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को आप एक प्रोत्साहन करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।